हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 8 और अभी भी मैंने बच्ची को स्कूल छोड़ा है। स्कूल देख सकते हैं आप। और अब मेरा अगला काम यह है कि मुझे यहाँ से जाना है कार को मेंटेनेंस कराने के लिए, ऑयल वगैरह चेंज होगा। तो चलिए चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज का दिन। ओके। सुबह सुबह का टाइम है, अपने कामों पे जा रहे हैं, मैं भी निकला हूँ अपने काम से। और ये है कि हमें इस टाइम पे जो है ट्रैफिक हमें इस वक्त मिलेगा, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक होता है। लेकिन ये इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। हैं लेकिन इतने दूर नहीं हैं। हम लेफ्ट टर्न लेंगे। पहुंच गए टोयोटा पे सर्विस डिपार्टमेंट में। भाई गाड़ी मैंने दे दी है और गाड़ी मिलेगी हमें 3-4 घंटे के बाद। तो लेकिन अभी है कि क्योंकि मैंने गाड़ी दे दी है तो एक मसला है। मसला ये है कि गाड़ी क्योंकि मैंने दे दी है तो अब मुझे जाना पड़ेगा बस से। लेकिन बस पे जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ मैं मैकडॉनल्ड चला जाऊँ, क्योंकि मेरे सामने ही जो है मैकडॉनल्ड है। तो चलते हैं मैकडॉनल्ड और यहाँ से जो है कोई ना कोई चीज़ लेते हैं, अगर ये खुला हुआ है तो। अरे नहीं, ये तो बंद है कुछ। ये तो बंद है। चलो खैर, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर कोई काम हो रहा है तो इसलिए बंद है। खैर निकलते हैं, बस का वेट करेंगे जाके, फिर बस पकड़ेंगे और फिर निकलेंगे सीधा। ये बस भी मेरी आ गई है, ऑरेंज कलर की जो नज़र आ रही है। भाई बस से मैं उतर गया हूँ। धूप बहुत तेज़ हो रही है लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, मुझे लगेंगे तकरीबन 2 मिनट, फिर आगे का पहुँच के जो है अपडेट करते हैं आपको। घर पे आ गया हूँ तो अभी घर पे काफ़ी सन्नाटा है, सब लोग जो है कोई अपने काम पे गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है। शेर खान को दिखाते हैं। 3 hours later सुबह गाड़ी वगैरह देने के बाद घर आया था। घर आके जो है थोड़े घर में कुछ काम वाम थे, काम निपटाए और उसके बाद जो है मैं फिर थोड़ी देर सो गया था। तो अब मैं उठा हूँ, आप देख सकते हो गाड़ी मैंने पिक कर लिया, तकरीबन जो है शाम हो गई है और डीलरशिप भी बंद ही होने वाला था। इस टाइम मैं आया हूँ, मैंने गाड़ी पिक की तो वापस जा रहा हूँ घर की तरफ। देख सकते हैं कितनी जल्दी मगरिब हो रही है। इस वक्त तकरीबन जो है 5:30 का टाइम है और अंधेरा होने वाला है। ओके। आज की क्लास कैसी थी मदरसे की? अच्छी नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? एक टीचर दूसरी आई थी एंड शी वाज बीइंग सो अननोइंग। क्यों, ऐसा क्या करा उन्होंने? लिटरली बता दो। लिटरली वो पहले तो मुझे लेसन 15 कल जो लेसन 15 पढ़ा था, पर उन्होंने मुझसे फिर से लेसन 14 पढ़वाया। इवन तो मैंने बताया भी था कि मैं लेसन 14 पढ़ चुका हूं, शी इज लाइक नो आपको यही लेसन पढ़ना है। तो मुझे वो लेसन दोबारा पढ़ना पड़ा और वो मुझे रोक टोक करी थी। लेकिन जैसा मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाया मैं वैसा ही पढ़ रहा था, उन्होंने कहा मैं रॉन्ग पढ़ रहा। अच्छा। या चलो, अब एक दिन की बात थी ना,
और दर्द भी अजीब सा किया था, लाइक दर्द में कहानी सुना देती है, ऐसे दर्द ऐसा तो नहीं होता कि एक बुढ़िया और उसने दुआ मंगवाई और ये तो कहानी है, ये दर्द एक्चुअली दर्द वेल मेरी एक्चुअल टीचर दर्द अलग तरीके से करती है। चलो कोई बात नहीं, ये खाना निकाल लिया, आज खाने में बिरयानी बनाई है, खा के चेक करते हैं। स्पाइसी है लेकिन अच्छी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 346 minutes later हम आए हैं ग्रोसरी लेने के लिए, तो आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी आइटम यहाँ पे कितने के मिलते हैं। चलिए ये देखें, ये किन्नौर का जो है ये चटपटा नूडल है, और ये यहाँ पर है दो आएंगे $1 के, यानी कि 50 सेंट का एक है ये। अब रुपीस में आप लगा लेना कितने का बन रहा है ये। उसी तरह ये इंडिया का है, ये मैगी है, और ये 299 यानी कि ये $3 का जो है ये पैक है, और इसके अंदर भी 3-4 हैं मेरे ख्याल से। ये इंडियन है लेकिन ये बांग्लादेश मेड है, क्योंकि इस पर लैंग्वेज इनकी लिखी हुई है। और चीज़ें भी आपको दिखाते हैं ऐसा ऐसा, जैसे ये है गार्लिक पेस्ट नेशनल का, $5.99 यानी कि $6 का है। ये लजीज़ा का है, ये है $6.99 यानी कि $7 का है। ये मिक्स है, मिक्स भी मिलता है यहाँ पे, और खाली अलग अलग लेके आप मिक्स भी कर सकते हो। ये शान का है, शान का जो है $5.99 यानी कि ये $6 का है। तो ये पेस्ट वगैरह होगा, और भी यहाँ पे काफ़ी आइटम है। ये सेक्शन है मिर्चों का, जैसे ये है, ये चिली पाउडर है $5.69, एक्सपेंसिव है। ये मैं आ गया हूँ मसालों के सेक्शन में, ये सारे शान के और पता नहीं कौन कौन से मसाले लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल से ये $1.60 का ऐसे कुछ है, यानी कि $3 के दो समझ लें। इस पर तो लिखा हुआ भी है $1.49, ये $1.49। तो शान मसालों के यहाँ पे ये रेट है, उसके अलावा जो बड़े हैं उनके ज़्यादा हैं। जैसे ये शाही हलीम है, शाही हलीम है, ये है $2.99 का। 15 minutes later ये खाना हमने लिया अभी बाहर से। ये पेटीज हैं, ये $2 के हैं, और ये अचार गोश है, ये $12 है, $12 का है ना। और ये ड्रिंक मैंगो लस्सी $3, ये 3 की मिली है। और ये पराठा, ये मिला है $2.50 का, और बच्चा वेट कर रहा है खाने का। खाना खाना है, चलो खाते हैं, ट्राई करके देखते हैं इसका टेस्ट। पराठा ये बूटी, काफी टेस्टी है। Oh my God! Wow! और आप खा के बताओ। हाँ कैसा है? 12:00 midnight ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में।
लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।